करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी के दौरे की। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी संत रविदास मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिरोमणि की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाजा और संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनके कार्यों को याद किया है। और इसके साथ ही संत निरंजन दास ने मुलाकात कर उनके आदर्शों पर भी चर्चा की है। हम आपको बता दें कि सीर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर में आज के दिन देश भर से भारी संख्या में रैदासी पहुंचते हैं। एक दिन पहले शनिवार को पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी मंदिर आकर मत्था टेका था। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं। आज योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। अभिषेक सिंह, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा है वाराणसी में, दूसरा दिन है दौरे का, तो क्या कुछ ऐसे में कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, आज योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम लगे? देखिए रूपांशी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय दौरा कल था और आज दौरे का दूसरा दिन था, तो दौरे के दूसरे दिन उनका एक कार्यक्रम था। आज संत रविदास की 276वीं जन्म जयंती थी, उस जन्म जयंती पर उनके मंदिर यानी कि श्री गोवर्धन एक जगह है बनारस में, वहां पर उनका वही पे जन्मस्थली है, वही पे उनका बड़ा मंदिर है, उसी मंदिर में उनके दर्शन पूजन का कार्यक्रम था और बकायदा वहां पे दर्शन पूजन करने पहुंचे हुए थे, बकायदा मत्था टेका हुआ था। मत्था टेकने के बाद वहां पे उनका आशीर्वाद लिया, वहां पे लंगर छका और वहां के जो महंत थे निरंजन दास, उस निरंजन दास से उन्होंने बातचीत भी की और क्या कुछ संभव हो सकता था उस, क्योंकि वो पर्यटन स्थली भी है तो उसको पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हो सकती थी, उस तैयारियों को लेकर भी उन्होंने बात और हर संभव मदद करने की बात भी कही पर्यटन के रूप में उसको विकसित करने के लिए। और जो परंपरा का जो निर्वहन था, यानी कि एक बड़ा संप्रदाय होता है जो रैदासियों का, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है बागपत सहारनपुर और ये सब जो इलाके हैं, वहां से भारी संख्या में जो रैदासी होते हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करने आते हैं। इसके साथ ही साथ पंजाब और पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से के अलावा भी बात हम करें तो विदेशों से भी रैदासी आते हैं, तो वहाँ पे तमाम लोग पहुंचे थे। तो और इसी बीच योगी भी पहुंचे हुए थे। और बात अगर हम पहले दिन की करें तो दौरे के पहले दिन बाबतपुर स्थित एक निजी कॉलेज था जहाँ पर दो दिवसीय एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था फार्मेसी पर, और इसका जो थीम था नेशनल कॉन्फ्रेंस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इन फार्मा, इसमें दो दिवसीय था और फार्मा के क्षेत्र में क्या कुछ संभव हो सकता है सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, क्योंकि फार्मा सेक्टर का एक बड़ा योगदान रहा कोरोना काल में, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया था मंच से। तो ऐसे में लेकर उसके बाद अगर हम बात करें अन्य कार्यक्रमों की, तो उसके बाद दर्शन पूजन नवघाट से उन्हें सीधे सवारी की क्रूज के जरिए, और क्रूज के जरिए सवारी करने के बाद वो सीधा टेंट सिटी जाते हैं। टेंट सिटी पहुंचने के बाद ये शिरकत करने के बाद विश्वनाथ मंदिर आते हैं और वापस सर्किट हाउस विश्राम करने लगते हैं रूपांतरी, यानी वापस सर्किट हाउस सीएम योगी आदित्यनाथ विश्राम के लिए जाते हैं। आज दौरा दूसरा दिन था और आज मंदिर में मत्था टेका है और निरंजन दास जी से मुलाकात की। फिलहाल ये अहम जानकारी के